हेलो फ्रेंड्स, वेलकम अगेन फ्रेंड्स। आज इस वीडियो के अंदर हम लोग बात करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में जो आम तौर पर सभी इन्वेस्टर्स के दिमाग में होते हैं। तो फ्रेंड्स, आप में से कई सारे लोगों के मुझे व्हाट्सएप, ईमेल और कमेंट्स रिसीव हुए थे, तो हम लोगों ने काफ़ी सारे क्वेश्चंस आपके यहाँ पर रिसीव किए। तो उसके अंदर से हम लोगों ने टॉप 10 क्वेश्चंस को निकाला है जो आम तौर पर काफ़ी सारे इन्वेस्टर्स और व्यूअर्स ने यहाँ पर पूछे थे। तो हम लोगों ने इंस्टेड ऑफ कि एक एक बंदे को हम वहाँ पर रिप्लाई करते, तो क्यों ना हम लोग इसके ऊपर एक वीडियो बना दें, जिससे आने वाले समय में भी काफ़ी सारे व्यूअर्स हमारे बढ़ेंगे तो उनको भी यहाँ पर क्वेश्चंस के डाउट्स क्लियर मिल जाए। तो फ्रेंड्स, ये वीडियो बड़ा इंपॉर्टेंट होने वाला है। अगर आप म्यूचुअल फंड में एक नए इन्वेस्टर हैं या फिर आप पिछले 2-3 साल से इन्वेस्टमेंट करते आ रहे हैं, तो ये डाउट्स आमतौर पर सभी इन्वेस्टर्स के दिमाग में एक ना एक बार आते हैं। तो एक वीडियो के अंदर ये सारे डाउट्स आपके यहाँ पर क्लियर हो जाएंगे। जैसे कि हम लोग यहाँ पर डायरेक्ट म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करते हैं किसी प्लेटफॉर्म के थ्रू, किसी वेबसाइट के थ्रू, जैसे कि पेटीएम हुआ, ग्रो हुआ, तो ये कितना सेफ है? अगर कल को ये कंपनी या वेबसाइट बंद हो जाती है तो ऐसे में हम लोग कहाँ जाएँ, क्या करेंगे? अगर मुझे यहाँ पर अपने SIP का अमाउंट डिक्रीज़ या इंक्रीज़ करना है तो मुझे क्या करना होगा, कैसे वो पॉसिबल होता है? क्या हर म्यूचुअल फंड यहाँ पर मुझे टैक्स सेविंग करके देगा? या अगर मुझे शिफ्ट करना है अपना फंड एक कंपनी से दूसरी कंपनी के अंदर, तो क्या ये पॉसिबल होगा? या मुझे SIP अगर क्लोज करनी है तो उसका बेस्ट वे क्या है? कई सारे ऐसे क्वेश्चंस का आज हम लोग यहाँ पर आंसर देखने वाले हैं। तो ये वीडियो बड़ा इंपॉर्टेंट होने वाला है, आप इस वीडियो को शुरू से एंड तक ज़रूर देखना। तो फ्रेंड्स, अभी आपको स्क्रीन पर दिख रहा है, अगर आपको डायरेक्टली कोई भी पर्टिकुलर क्वेश्चन के ऊपर शिफ्ट करना है तो आप वहाँ पर टाइमिंग मैंने दिया हुआ है, उससे आपका काफ़ी टाइम सेव हो जाएगा। आप डायरेक्टली वहाँ पर शिफ्ट कर सकते हैं और अपने क्वेश्चन का आंसर वहाँ पर देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स, बिना टाइम गवाए हम लोग देख लेते हैं टॉप 10 क्वेश्चंस क्या है और उसके क्या आंसर्स हैं। तो फ्रेंड्स, सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ पर ये निकल के आता है कि क्या मैं अपना फंड विड्रॉ कर सकता हूँ किसी भी समय जो मैंने म्यूचुअल फंड स्कीम के अंदर इन्वेस्ट किया था। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले इस क्वेश्चन को समझना जरूरी है कि देखिए, म्यूचुअल फंड में कई सारे स्कीम्स होती है, इक्विटी स्कीम्स होती है, डेट स्कीम्स होती है, लिक्विड स्कीम्स होती है और ELSS स्कीम्स भी होती है, इक्विटी लिंक सेविंग स्कीम्स। तो ELSS स्कीम को छोड़ने के बाद आप जिस भी स्कीम के अंदर यहाँ पर इन्वेस्ट करते हैं उसके अंदर आप पैसा तो एनी टाइम विड्रॉ कर सकते हैं, यानी कि यहाँ लिक्विडिटी हाई होती है, कभी भी आप अपना फंड यहाँ पर विड्रॉ कर सकते हैं। बट इक्विटी स्कीम्स के अंदर मेनली जो हम लोग देखते हैं वहाँ पर ये होता है कि अगर आप 1 साल से पहले विड्रॉ करते हैं तो 90-95% जो स्कीम्स होती है इक्विटी बेसिस पे, उसके अंदर आपको एग्जिट लोड लगता है। तो यहाँ पर आपको ये ध्यान रखना है कि आपका जो SIP अमाउंट है या जो भी आपने अमाउंट यहाँ पर इन्वेस्ट किया है उसको कितने साल हो गए इन्वेस्टमेंट करते करते। यहाँ पर जो हम लोग देखेंगे SIP का, ईच SIP को 1 साल अगर हो गए तो उसके बाद आपको कोई भी एग्जिट लोड यहाँ पर नहीं लगेगा। एग्जिट लोड आप कहाँ देखेंगे, उस स्कीम को अगर आप जब रीड करते हैं कोई भी वेबसाइट के ऊपर, तो वहाँ पर एग्जिट लोड दिया होता है कि अगर आप जब भी एग्जिट करेंगे तो कितना परसेंट ऑफ द टोटल अमाउंट यहाँ पर आपसे चार्ज किया जाएगा। तो ELSS स्कीम क्या होती है, वो होती है इक्विटी लिंक सेविंग स्कीम्स। यहाँ पर 3 साल के लिए आपका पैसा जो है वो लॉक रहता है, तो वो आपको यहाँ पर देखना ज़रूरी है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर अगला क्वेश्चन ये निकल के आता है कि कैन आई इन्वेस्ट इन एनी स्कीम एंड सेव टैक्स। मैं कोई भी स्कीम के अंदर यहाँ पर इन्वेस्ट करूँ म्यूचुअल फंड की और मैं टैक्स सेविंग कर सकता हूँ क्या? तो इसका आंसर होगा नहीं। यहाँ पर कुछ स्कीम्स आपके लिए प्रोवाइडेड की गई है, उसके अंदर ही आप यहाँ पर इन्वेस्ट कर सकते हैं, तो उसके बाद ही आपको यहाँ पर टैक्स बेनिफिट मिलेगा। आप ऐसा नहीं कर सकते कि कोई भी स्कीम के अंदर मैंने इन्वेस्ट कर दिया और मुझे टैक्स बेनिफिट यहाँ पर चाहिए। तो ऐसा कौन सी स्कीम होती है? ऐसी स्कीम्स होती है ELSS, इक्विटी लिंक सेविंग स्कीम्स। तो इसकी क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होती है कि जब भी आप यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करेंगे तो आपका इन्वेस्टमेंट 3 ईयर के लिए लॉक रहेगा। तो लेट सपोज हम लोग यहाँ पर 2 तरीके से इन्वेस्ट कर सकते हैं। एक तो हम लोग SIP कर सकते हैं ELSS के अंदर, या फिर हम 1 टाइम इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो 1 टाइम इन्वेस्ट करेंगे तो आज हमने इन्वेस्ट किया तो 3 साल बाद हम उस फंड को विड्रॉ कर सकते हैं, तो उस केस में मैं यहाँ पर टैक्स बेनिफिट ले सकता हूँ। और SIP के केस में हर एक SIP को 3 साल होना चाहिए। तो आपने यहाँ पर SIP स्टार्ट कर दी, तो जो आज SIP आपकी इस मंथ डेबिट हुई उसके 3 साल कंप्लीट होंगे, फिर अगले महीने जो SIP आपकी डेबिट होगी फिर उसके 3 साल 1 महीने बाद कंप्लीट होंगे। तो ऐसे आपको यहाँ पर हर SIP का 3-3 साल आपको लॉक इन पीरियड देखने को मिलेगा। तो इस तरीके से अगर आपने 3 साल के लिए SIP कर दी तो वो 6 साल में आपका सारा फंड फ्री होगा, तब आपको यहाँ पर टैक्स बेनिफिट यहाँ पर मिलेगा। अगर आपको फ्रेंड्स देखना है कि टॉप 5 स्कीम कौन सी है ELSS के अंदर, तो हमने उसके ऊपर यहाँ पर वीडियो बनाया हुआ है, उसका टिकर आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा, आप वहाँ पर क्लिक करके ELSS स्कीम्स के बारे में देख सकते हैं। फ्रेंड्स, यहाँ पर अगला क्वेश्चन ये निकल के आता है कि अगर मैंने SIP को स्टार्ट तो कर दिया, अब किसी मंथ हो सकता है कि हमारे अकाउंट में सफिशियंट अमाउंट ना हो, तो ऐसे में हमको कोई चार्ज लगेगा या फिर हमको कोई AMC यहाँ पर किसी प्रकार से फीस चार्ज करेगी कि हमारा SIP अमाउंट डेबिट नहीं हुआ? तो फ्रेंड्स, ये पॉसिबल हो सकता है कि किसी मंथ हमारे अकाउंट के अंदर सफिशियंट अमाउंट ना हो, तो ऐसे केस के अंदर जो आपकी SIP है वो आपके अकाउंट से अमाउंट डेबिट नहीं कर पाएगी, तो ऐसे में आपको कोई चार्ज यहाँ पर नहीं लगेगा। देखिए, SIP को पहले समझ लेते हैं हम लोग, सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान होता है। ये एक कोई प्रोडक्ट नहीं है, इट्स नॉट ए प्रोडक्ट, इट्स अ वे टू इन्वेस्ट इन म्यूचुअल फंड। यहाँ पर आप पर मंथ इन्वेस्ट कर रहे हैं बस। तो अगर आप किसी मंथ इन्वेस्ट नहीं कर पाते हैं तो आपका अमाउंट इन्वेस्ट नहीं होगा,
सिंपल इतना सही है। इसमें आपको कोई चार्ज नहीं देना पड़ेगा, आप यहाँ पर कोई ईएमआई पे नहीं कर रहे हैं, जैसे कि आपका ईएमआई मिस हो गया और आपको यहाँ पर कोई चार्ज देना पड़ेगा। तो आपको ये समझना ज़रूरी है, ये आप ही का पैसा है, बट एक तरीका है कि हम लोग पर मंथ इन्वेस्ट कर दें, उसके लिए आप ही ने इंस्ट्रक्शन दिया हुआ है। किसी मंथ अगर आपके अकाउंट के अंदर सफिशियंट अमाउंट नहीं है तो वो इंस्ट्रक्शन फेल हो जाएगा। तो फ्रेंड्स यहाँ पर हम अगला क्वेश्चन देख लेते हैं कि कई सारे लोगों का पूछना था कि सर अगर हम लोगों ने एक बार एसआईपी को स्टार्ट कर दिया तो क्या हम उसके अंदर अमाउंट इंक्रीज या डिक्रीज कर सकते हैं, क्या ये पॉसिबल हो सकता है कि नहीं हो सकता है। लेट सपोज जैसे हम लोगों ने 5000 का एसआईपी स्टार्ट किया और मुझे 6 महीने बाद उसको 1000 से बढ़ाना है या फिर मुझे डिक्रीज करना है 1000 से, तो क्या ये पॉसिबल होता है कि नहीं होता है, पहले तो उसको समझ लेते हैं हम लोग। फ्रेंड्स इसके यहाँ पर दो आंसर होंगे। कई सारी एएमसीज है जैसे कि आईसीआईसीआई म्यूचुअल फंड की अगर हम लोग बात करें तो उन्होंने ये फैसिलिटी यहाँ पर प्रोवाइड की हुई कि आप 6 मंथ बाद अपने इन्वेस्टमेंट अमाउंट के अंदर कितने परसेंट का इंक्रीज चाहते हैं वो आप यहाँ पर कर सकते हैं एट द टाइम ऑफ परचेसिंग द एसआईपी। तो नॉर्मली अगर हम लोग यहाँ पर बात करें तो कई सारी एएमसी के अंदर आपको ये ऑप्शन देखने को नहीं मिलेगा। तो ऐसे केस में आपको अगर अमाउंट डिक्रीज करना है या इंक्रीज करना है तो आपको वो एसआईपी को स्टॉप करना होगा, वहाँ पर जाके कैंसिल करना होगा और न्यू एसआईपी के लिए रजिस्टर करना होगा और उसके बाद आपको वहाँ पर जो भी आपका अमाउंट आप चाहते हैं वो इंक्रीज करना होगा। तो ये यहाँ पर आप जब भी एसआईपी परचेस करें आप ये देखें कि आपको ये ऑप्शन मिल रहा है कि 1 साल बाद मुझे 10% से पैसा बढ़ाना है। लेट सपोज आपने 5000 की एसआईपी की तो आपका 6 महीने बाद 10% से उस पैसे को वो डेबिट करना स्टार्ट कर दें बढ़ाकर, तो ऐसे में आपका 6 महीने बाद तक 5500 की एसआईपी डेबिट होगी। ऐसे करते करते वो आपका एसआईपी अमाउंट यहाँ पर इंक्रीज करते जाए। तो ऐसे ऑप्शंस आपको एएमसी के अंदर देखने को मिल जाएंगे, आप यहाँ पर एएमसी पे कॉल करके भी इस ऑप्शन के बारे में पूछ सकते हैं। फ्रेंड्स यहाँ पर कई सारे लोगों ने अपनी जो केवाईसी है वो आधार कार्ड बेसिस पर केवाईसी की हुई है, तो ऐसे में काफ़ी सारे लोगों का क्वेश्चन होता है कि सर हम लोगों ने आधार बेस्ड अपनी केवाईसी की हुई तो हम लोग अब सी केवाईसी के लिए क्यों अप्लाई करें, हम लोग क्यों करें सी केवाईसी। तो फ्रेंड्स सबसे पहले आप एक वीडियो का टिकर आपको यहाँ पर देखने को मिल रहा है, केवाईसी क्या होती है, ई केवाईसी क्या होती है और सी केवाईसी क्या होती है, इसके बारे में क्या डिफरेंस होता है इन तीनों के अंदर, इसको एक बार समझ लें क्योंकि कहीं ना कहीं ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके लिए। यहाँ पर सबसे पहले समझना ज़रूरी है कि आधार बेस्ड जो केवाईसी होती है उसको हम लोग बोलते हैं ई केवाईसी। आप वो इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में केवाईसी कर सकते हैं, मुश्किल से 5 से 7 मिनट लगता है उस केवाईसी को करने के बाद और आप अपना अमाउंट यहाँ पर इन्वेस्ट कर सकते हैं। बट ऐसे में आपके पास यहाँ पर एक लिमिट बन जाती है इन्वेस्टमेंट करने के लिए, वो लिमिट क्या है कि आप पर एएमसी पर ईयर सिर्फ 50,000 रुपीज़ ही इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो ऐसे में अगर आपको लगता है यहाँ पर कि मुझे यहाँ पर 2000 की या 1500 या 3000 की एसआईपी ही करना है तो ऐसे में आपके लिए ठीक है, पर जिनको यहाँ पर ऐसा लगता है कि मुझे हर साल यहाँ पर कुछ एसआईपी अमाउंट इंक्रीज करना है या फिर मुझे कुछ और इन्वेस्टमेंट बढ़ा सकता हूँ, मैं लमसम इन्वेस्टमेंट कर सकता हूँ बीच में, तो ऐसे में वो सी केवाईसी करें वो ज़्यादा बेटर यहाँ पर रहेगा। सी केवाईसी क्या है मैंने उस वीडियो के अंदर क्लियर यहाँ पर समझा रखा है, कैसे सी केवाईसी के लिए आप अप्लाई करें तो बड़ी आसानी से मैंने उस वीडियो के अंदर बताया है कि कैसे आप वहाँ पर कर सकते हैं। तो आप उस वीडियो को एक बार देखें जिससे आप इजीली यहाँ पर सी केवाईसी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पर मेरा सजेशन ये रहेगा कि आप जब भी एसआईपी के लिए रजिस्टर करते हैं फर्स्ट टाइम तो आप सी केवाईसी के लिए अप्लाई करें रेदर देन कि आप जाएँ ई केवाईसी के थ्रू। या फिर आप ये भी कर सकते हैं कि आपने इन्वेस्टमेंट करते समय ई केवाईसी करके इन्वेस्टमेंट कर दिया और तुरंत ही आप यहाँ पर सी केवाईसी के लिए अप्लाई कर दें, तो उससे होगा ये कि आपको 10 से 15 दिन के अंदर वो आपका यहाँ पर सी केवाईसी कंप्लीट हो जाएगा। तो फ्रेंड्स उस वीडियो को आप यहाँ पर देखिए, उन सारे वीडियोस के लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुए हैं तो आपको यहाँ पर काफ़ी हेल्प मिल जाएगी। तो फ्रेंड्स हमारे यहाँ पर जो इन्वेस्टर्स हैं व्यूअर्स हैं वो काफ़ी नए हैं म्यूचुअल फंड्स के अंदर, तो काफ़ी सारे डाउट्स हमको यहाँ पर देखने को मिले। तो उसमें से एक डाउट ये था कि सर जो एसआईपी का हमारा अमाउंट है वो हर मंथ अपने आप डेबिट हो जाएगा या फिर हमको यहाँ पर एसआईपी का अमाउंट हर महीने डेबिट करवाना होता है, तो ये काफ़ी सिंपल क्वेश्चन है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर हम लोग जब भी फॉर्म भरते हैं एसआईपी के लिए तो अगर आप यहाँ पर ऑनलाइन अप्लाई कर रहे हैं तो वहाँ पर दो तरीके आपको देखने को मिलेंगे, वहाँ पर वन टाइम मैंडेट जिसको बोलते हैं ओटीएम, या फिर आप बिलर ऐड कर देंगे तो आपका ऑटोमेटिकली वहाँ पर एसआईपी पर मंथ डेबिट होना स्टार्ट हो जाएगा। अगर आप यहाँ पर फिजिकल फॉर्म भरते हैं तो वहाँ पर आपका जो भी डिस्ट्रीब्यूटर है वो आपकी हेल्प कर देगा, या फिर अगर आप डायरेक्टली अप्लाई कर रहे हैं फिजिकल फॉर्म के थ्रू तो वहाँ पर आपको ऑटो डेबिट फॉर्म दिखता है, वहां पर आप साइन कर देंगे तो पर मंथ आपका जो भी अमाउंट एसआईपी का वो डिडक्ट होना यहां पर स्टार्ट हो जाएगा। तो फ्रेंड्स यहां पर अगला क्वेश्चन ये निकल के आता है कि क्या एसआईपी में इन्वेस्टमेंट हम लोग करते हैं तो हमको यहां पर टैक्स लगता है कि नहीं लगता है, और अगर लगता है तो वो कितना लगता है। तो फ्रेंड्स इस पर्टिकुलर टॉपिक के ऊपर हम लोगों ने एक सेपरेट वीडियो बनाया हुआ है, मुश्किल से 10 मिनट का वो वीडियो है, वो अगर वीडियो आपने यहाँ पर देखा है तो आपका सारा यहाँ पर डाउट जो है वो क्लियर हो जाएगा। उसका टिकर और उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आपको टिकर यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। तो फ्रेंड्स यहाँ पर दो तरीके के टैक्स होते हैं, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन और शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन। शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन उसको बोलते हैं कि अगर आपने इन्वेस्टमेंट को 1 साल से पहले विड्रॉ कर दिया और जो भी आपको प्रॉफिट यहाँ पर होगा उसके ऊपर आपको 15% जो है वो टैक्स चार्ज होगा इक्विटी स्कीम्स के अंदर।
और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन ये होता है कि अगर आपने एक साल के बाद अपने फंड को विड्रॉ किया तो वहाँ पर आपको जो भी प्रॉफिट होगा तो वहाँ पर आपको 10% चार्ज होगा LTCG, बट यहाँ पर आपको 1,00,000 रुपये तक की लिमिट मिलती है। उसके बाद आपको यहाँ पर 1,00,000 से ऊपर का अगर आपका कोई प्रॉफिट होगा तो उसके बाद आपको यहाँ पर LTCG लगेगा। तो 1,00,000 रुपये तक का कैपिटल गेन आप बना सकते हैं लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। उस वीडियो के अंदर मैंने यहाँ पर काफ़ी चीज़ें क्लियर की हैं, तो अगर आप उस वीडियो को देखेंगे यहाँ पर तो आपका टैक्स रिलेटेड सारे डाउट उस वीडियो के अंदर यहाँ पर क्लियर हो जाएंगे। तो फ्रेंड्स यहाँ पर हम लोग अगला क्वेश्चन ये ले लेते हैं कि कई सारे लोगों का पूछना था कि सर अगर हम लोगों ने किसी एक AMC के साथ में इन्वेस्टमेंट किया हुआ है तो क्या हम अपना इन्वेस्टमेंट शिफ्ट कर सकते हैं दूसरी AMC के साथ में या दूसरी कंपनी के साथ में। तो फ्रेंड्स ये पॉसिबल नहीं हो पाएगा। पॉसिबल क्या हो पाएगा यहाँ पर कि अगर आप उस फंड को वहाँ पर विड्रॉ करें, वहाँ से रिडीम करें और उस फंड को आप अपने अकाउंट के अंदर डालें, उसके बाद ही आप दूसरी AMC के अंदर यहाँ पर इन्वेस्ट कर सकते हैं। आप यहाँ पर क्या कर सकते हैं कि विद इन द AMC, एक ही AMC के अंदर, जैसे रिलायंस म्यूचुअल फंड हुआ तो उसी के अंदर यहाँ पर आप शिफ्ट कर सकते हैं एक स्कीम से दूसरी स्कीम के अंदर। उसको हम लोग बोलते हैं सिस्टमेटिक ट्रांसफर प्लान, STP के थ्रू आप यहाँ पर स्विच कर सकते हैं। तो विद इन द AMC आप यहाँ पर एक स्कीम से दूसरी स्कीम के अंदर स्विच कर सकते हैं, बट आप यहाँ पर किसी कंपनी से डायरेक्टली एक कंपनी से दूसरी कंपनी के अंदर यहाँ पर शिफ्ट नहीं कर सकते हैं अपना फंड। आपको पहले विड्रॉ करना पड़ेगा, उसके बाद आप री इन्वेस्ट कर सकते हैं। सो आई होप कि आपको यहाँ पर ये क्लियर हो गया होगा। तो फ्रेंड्स यहाँ पर जो अगला क्वेश्चन है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। काफ़ी सारी ऐसी कंपनीज है जो आपको बोलेगी कि यहाँ इस वेबसाइट के थ्रू इन्वेस्टमेंट कर ले, तो ये कितना सेफ है? कल को अगर ये कंपनी की वेबसाइट बंद हो जाती है, कंपनी कहीं चले जाती है, तो ये कितना सेफ है कि हम लोग यहाँ पर इन्वेस्ट कर सकें? पेटीएम मनी है, ग्रो है, ईटी मनी है, काफ़ी ऐसी कंपनीज आपको देखने को मिल जाएगी जो आपको बोल रही है कि आप अपनी उनकी वेबसाइट पे जाकर इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं डायरेक्ट म्यूचुअल फंड्स के अंदर। तो अभी हम लोग समझ लेते हैं कि ये कितना सेफ हो सकता है। तो फ्रेंड्स आप यहाँ पर जो ऐप्स या प्लेटफॉर्म्स या वेबसाइट्स देखते हैं ये सारे इंटरमीडियरीज हैं, तो ये यहाँ पर आपको फ्रंट एंड प्रोवाइड करेंगे। आपका जो भी इन्वेस्टमेंट होगा उस स्कीम के अंदर होगा, उस AMC के अंदर में होगा। आप इन वेबसाइट्स या ऐप को पेमेंट नहीं करते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पर इन ऐप के या वेबसाइट के थ्रू आप अपना इन्वेस्टमेंट को एक सिंगल विंडो के अंदर यहाँ पर देख सकते हैं, बट आपका जो अल्टीमेटली इन्वेस्टमेंट हुआ है वो AMC के अंदर हुआ है, उस पर्टिकुलर स्कीम के अंदर हुआ है। तो आप उस AMC की वेबसाइट पे जाएं, अकाउंट अगर आप वहाँ पर क्रिएट करेंगे तो आपको अपना स्टेटमेंट, अपना इन्वेस्टमेंट वहाँ पर भी दिखेगा, क्योंकि अल्टीमेटली जो इन्वेस्टमेंट हुआ वो AMC के साथ में हुआ है। तो फ्रेंड्स ऐसी सारी कंपनीज जो आपको यहाँ पर फ्रंट एंड प्रोवाइड कर रही है वो कहीं ना कहीं बैकएंड में रजिस्टर्ड होती है प्लेटफॉर्म से, जैसे कि BSE का StarMF प्लेटफॉर्म होता है, NSE का प्लेटफॉर्म होता है, तो वहाँ पर वो रजिस्टर्ड होते हैं। इसको हम ऐसे समझ सकते हैं कि अगर हमको कभी फ्लाइट टिकट बुक करना होता है तो वो फ्लाइट टिकट आपको पेटीएम पे भी देखने को मिलता है, GoIBIBO की वेबसाइट पे भी देखने को मिलता है, कई सारी और ऐप के अंदर आपको देखने को मिलेगा। बट अल्टीमेटली जिस भी फ्लाइट का टिकट आप बुक करवाते हैं, जैसे आपने इंडिगो का बुक करवाया तो आप वहाँ पर प्लेटफॉर्म यूज़ कर रहे हैं पेटीएम का, GoIBIBO का, बट आपने जो फ्लाइट यहाँ पर टिकट बुक कराया वो आपने इंडिगो का करवाया। तो उसी तरीके से ये कंपनीज जो आपको प्रोवाइड कर रही है फ्रंट एंड, ये उनकी APIs पे काम करती है। सो आप इनके थ्रू भी इन्वेस्ट करेंगे तो वो अल्टीमेटली जो इन्वेस्ट होगा वो AMC के साथ में इन्वेस्ट होगा। हालांकि ये कंपनीज कभी बंद नहीं होने वाली है, बट अगर इनकेस कभी होती भी है तो आपका जो इन्वेस्टमेंट है वो AMC के साथ में है। आप AMC में वहाँ पर जाएंगे, उनकी वेबसाइट पर अकाउंट क्रिएट करेंगे तो आप वहाँ से अपना फंड हमेशा विड्रॉ कर सकते हैं। सो आई होप कि कई सारे लोगों का यहाँ पर ये डाउट क्लियर हुआ होगा। तो फ्रेंड्स एट द एंड हम लोग ये क्वेश्चन देख लेते हैं कि अगर मुझे यहाँ पर अपना फंड विड्रॉ करना है तो मुझे अपना फंड कैसे मिलेगा, और मुझे अगर SIP का स्टॉप करना है तो वो मैं कैसे कर सकता हूँ, उसके बारे में हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पर आप जब भी SIP के अंदर इन्वेस्टमेंट करते हैं, ऑनलाइन अप्लाई करते हैं, तो आप वहाँ पर अपनी अकाउंट्स की डिटेल देते हैं। तो जो भी आप इन्वेस्टमेंट करते हैं वो आपके अकाउंट से डेबिट होता है। तो अल्टीमेटली जब भी आप SIP को कैंसिल करते हैं तो सारा फंड आपको NFT के थ्रू आपके अकाउंट के अंदर डायरेक्ट ट्रांसफर किया जाता है। बट आपको यहाँ पर अगर SIP को कैंसिल करवाना होगा तो आपको क्या करना होगा? पहला तरीका तो ये होगा कि हम लोग अपना जो बिलर हम लोगों ने ऐड किया हुआ है वहाँ पर हम उसको कैंसिल कर दें, उसको डिलीट कर दें। बट सबसे बेस्ट तरीका ये होगा कि आप AMC की वेबसाइट पर जाएं, जिस भी प्लान को आप सिलेक्ट करते हैं वहाँ पर आपको ऑप्शन देखने को मिलेगा कि कैंसिल दिस SIP। वहाँ से अगर आप उसको कैंसिल कर देंगे तो आपकी SIP यहाँ पर कैंसिल हो जाएगी। और अगर आपने यहाँ पर रेगुलर में इन्वेस्टमेंट किया हुआ है, किसी डिस्ट्रीब्यूटर के थ्रू आपने इन्वेस्टमेंट किया हुआ है, तो आपको यहाँ पर ब्रांच में विजिट करना पड़ेगा, वहाँ पर एक फॉर्म भरना पड़ेगा, तो आपकी SIP वहाँ पर कैंसिल हो जाएगी। तो अगर आपका इक्विटी के अंदर इन्वेस्टमेंट है तो वहाँ पर T+3 वर्किंग डेज के अंदर आपको NFT हो जाएगा सारा अमाउंट आपके अकाउंट के अंदर। और अगर आपने कोई अदर स्कीम के अंदर इन्वेस्टमेंट किया अदर देन इक्विटी, जैसे कि डेट में या लिक्विड के अंदर, तो T+1 वर्किंग डे के अंदर आपको वहाँ पर अमाउंट जो है वो आपके अकाउंट के अंदर मिल जाएगा। तो फ्रेंड्स आई होप कि आपके जो भी यहाँ पर क्वेश्चंस या डाउट थे वो क्लियर हुए होंगे इस वीडियो के अंदर। तो फ्रेंड्स ये वीडियो आप अपने ग्रुप के अंदर शेयर कर सकते हैं, अपने फ्रेंड्स के साथ, रिलेटिव के साथ शेयर कर सकते हैं। अगर वो लोग भी इन्वेस्टमेंट करते हैं म्यूचुअल फंड्स के अंदर तो उनको भी काफ़ी हेल्प मिल जाएगी। फ्रेंड्स अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो आप इसको लाइक ज़रूर करें, चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें। इस तरीके के म्यूचुअल फंड्स रिलेटेड वीडियोज़ हम आपके लिए यहाँ पर लेकर आते रहते हैं। फ्रेंड्स मिलते हैं अगले वीडियो के अंदर, जब तक के लिए गुड बाय।